ये क्या कर रहे? हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैं टिफ़िन जा रही हूँ बनाने। मैं बहुत जल्दी जग गई थी लेकिन नैन्सी बोली कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी तो इसलिए मैं लेट टिफ़िन बना रही थी, तो इतनी टाइम टिफ़िन बन जाता है। तो टिफ़िन में मैं सब्जी बना रही हूँ, यही चचंडा जो भी है इसकी सब्जी, सूखी सब्जी बना रही हूँ, सब्जी और रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ, प्याज एक मीडियम साइज़ का डाला है मैंने, जीरा ऐड किया था, मिर्चा नहीं डाला था, तीखी सब्जी नहीं खाते, थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड किया था। तो सुबह सुबह यही सब काम रहता है। अब टिफ़िन की जो जिम्मेदारी होती है सुबह में, जिनके यहाँ लोग ड्यूटी करने वाले हैं, बच्चे स्कूल वाले हैं, तो काम बढ़ ही जाता है सुबह सुबह। ऐसे मेरा भी पाउच का एक पाउच मसाला मैंने इसमें ऐड किया है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ा ही, तो हरी सब्ज़ी यही ले जाते हैं। जो 8 बजे मैंने आप लोग को दिखाया था, मैंने लंच बनाना शुरू किया था, 8:30 हो गए तो खाना बन गया, टिफ़िन पैक हो चुका है। मनोज तिवारी निकल रहे हैं ड्यूटी के लिए झोला वोला लेके, अब मेरा काम शुरू होगा इधर साफ़ सफाई का। अभी मैं चाय पीऊँगी, आज लेट हो गई, फिर उसके बाद सारी साफ़ सफाई करके फिर नहाऊँगी। वीडियो में सब लोग रहिएगा। लेकिन उसके लिए तो खेलना पड़ेगा, नॉलेज से सब कुछ पॉसिबल है डॉक्टर तेनाली। मैं बुक्स पढ़ के सारे शॉर्ट्स में एक्सपर्ट हो जाऊंगा और पलक झपकते सारे मैच जीत जाऊंगा। पॉसिबल है उस्ताद, तेनाली से पॉसिबल करके ही रहेगा प्यारा चाचा। जाने हम कितना रतिया सही। हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम सब लोगों को। आ गए मैं वीडियो में, सुबह सुबह अभी नहीं है, अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं गाइस। और बहुत बहुत स्वागत है, सुबह से रात तक मैं स्वागत ही करती रहती हूँ आप लोगों का वीडियो में, और वीडियो के सामने भी आना जरूरी रहता है, इसलिए सुबह से सुबह थोबड़ा दिखाने वाला नहीं रहता है, पूरा ऐसे आँख वाँख सब सूजी रहती है, अजीब सा रहता है, और मैक्सी वगैरह पहने रहो तो नहीं आने का मन करता। जब अच्छे से नहा धो लो, बढ़िया मेंटेन हो जाओ थोड़ा सा, तो लगता है कि थोड़ा वीडियो के सामने आना चाहिए, स्वागत करना चाहिए सामने से।
मोस्ट वेलकम वाला। तो अभी 12 बज रहे हैं, अब चल रहे हैं कुछ काम धाम करेंगे। अभी तक चाय नाश्ता करके बैठे हुए थे, अब शुरुआत होगी कुछ और काम की। सुबह से बहुत सारे काम हो चुके हैं, अभी दोपहर से लास्ट नाइट वाला अभी बचा हुआ है, तो वो अब शुरू होगा। वीडियो में सब लोग लास्ट तक रहिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करा करिए। बाय बाय। हेलो फ्रेंड। तो यहाँ पे नैन्सी कुछ बना रही है आज, अभी 7 बजने वाला है और नैन्सी कुछ आज बना रही। क्या बना रही हो नैन्सी? पोटैटो बाइट्स। मुझे तो नाम भी इसका नहीं पता क्या बना रही है। ये आलू बॉईल करके रखा था मैंने, जब कुछ रखा रहता तो ये कुछ ना कुछ कारिस्तानी करती रहती है। इधर कढ़ाई भी चढ़ा रखे हैं, इसमें ऑयल डाल रखे हैं, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है नैन्सी कढ़ाई बहुत जल्दी। हाँ डालू? हाँ अभी थोड़ा रुक जाओ, ये कुछ अपने आप से बना रही हैं। अभी इसको किससे खाएंगे? भगवान कह रहे हैं तुम्हें भरोसा नहीं है तो क्यों बना रही हो? हम कोई रेसिपी जब बनाते हैं तो हमें भरोसा होता है कि वो अच्छी बनेगी, और इनको अब क्या बताओ, इनको भरोसा नहीं है कि अच्छी बनी, करी भगवान से मना। सूजी ज्यादा नहीं है ना, तो सूजी तो पूरा पैकेट रखी हुई थी ना, मैंने ज्यादा नहीं डाला। बेसन मैदा रखा हुआ तो मैंने फेंक दिया, उसका थोड़ा सा रखा हुआ था, अगर मैदा डाल देती तो ये सेम टिक्के के तरीके हो जाता, थोड़ा सा मतलब वो रहता है। ऐसे भी ये फट नहीं रहा है ना, वो देखो तो अच्छा ही बनेगा, क्योंकि आलू फ्रिज में रखा हुआ था ना, इनको भरोसा नहीं है कि अच्छा बनेगा। हमसे बोल रही हाँ रुको देखूँ मैं भी थोड़ा ट्राई करूँ तुम्हारा, ये क्या है। हाँ हो गया है, इसको एक तरफ अच्छे से जब पक जाएगा तो ही इसको टच करने का, मीडियम नहीं होता भी छोड़ दो, ये कढ़ाई जल्दी गर्म हो जाती है ना इसकी वजह से, तो इनको डर लग रहा है इसको इसमें डालने में कहीं हाथ ना जल जाए, तो इसकी वजह से मैंने सोचा इनकी हेल्प कर दूँ, बस इतना ही रहने दो है। तो ये भरोसा तो है नहीं, कह रही है कि भगवान से मनाओ कि अच्छा बन जाए तो बन जाएगा फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी नैन्सी। सोच और क्या रहता है, बस ऐसे बॉयल आलू, अगर मैदा है तो मैदा डाल दीजिए सबसे अच्छा, पर सूजी थी तो सूजी डाल दी, उसमें जैसे ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स और मसाला कोई है आपके पास तो वो डाल, और भी तो चीज़ डाली जाती है जैसे ये अकॉर्डिंग के हिसाब से। हाँ। आलू में आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, नमक तो सभी लोग डाल, नमक तो रहता ही है, और जैसे मसाले ऐड करना चाहिए, और हरा धनिया हो गया, हरा धनिया, कोई वेजिटेबल वगैरह तो नहीं ना? वेजिटेबल नहीं, उससे फिर अलग से निकल जाएगा ना। हाँ अगर बिल्कुल चॉप करके अगर आप डालेंगे तो टेबल तो नहीं निकलेगा। तो ये नैन्सी की रेसिपी बन रही है गाइज, आप लोग इस वीडियो को नैन्सी के लिए जाएगा, लाइक करिएगा कमेंट करिएगा, पहले बन जाए फिर मैं शेयर करूं। मौसम विभाग को भी दिखा देती हूं, सूचना दे देती हूं कि बारिश होने का आसार हो रहा है, बारिश होगी, ये देखे क्या है। सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जो तुम हो, लग के गया इश्क तेरा। ये नैन्सी की रेसिपी है गाइज, ये आलू मैश करी थी, आलू डाली थी इसमें और सूजी डाली थी ना नैन्सी, रवा, और इसकी क्रिस्पी यम्मी टिक्की बना के नैन्सी ने तैयार किया है। इधर सॉस रखी है, तो ये देख लीजिए आप लोग, इसको तोड़ के दिखाइए कोई भी। ये नैन्सी ने आज प्रिपरेशन करके पूरा, नैन्सी का पूरा वो है, ये देखिए कितना यम्मी नाश्ता बनाई है नैन्सी, खाओ खाओ। और पूरा नैन्सी पसीने में भीगी हुई है, पूरा एकदम इनका बाल बाल सब भीग गया है, खुद से बना के पूरा तैयार करी है। अच्छा है खा लो, कभी कभी नैन्सी भी बहुत काम कर देती हैं, किसी को भी, मेरी दीदी उदी को विश्वास नहीं होगा कि नैन्सी इतनी अच्छी चीज़ें बना लेती हैं। तो ये देख लीजिए सब लोग नैन्सी ने क्या बनाया, सब लोग वीडियो एंजॉय करिए। कल जाना है टीसी लेने और एडमिशन करवाने, अभी हिलाओ मत, अभी हिला रही है। दो बना बहुत बोरे लग रहे हैं।
सोते समय घर में जो सोने लगती सब कर मैंने तेल लगा दी जबकि तेरे लुक में